हेलो गाइस, कैसे हैं आप सारे लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। जैसे कि आप लोग याद होगा लास्ट एपिसोड में हम लोग ने बनाया था ये डंजन, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और ये डंजन इसलिए बनाया था मैंने क्योंकि आपको पता होगा हम लोग ने एंडर ड्रैगन को मारा था और उससे हम लोग को एक एग मिला था, एंडर ड्रैगन का एग। उसको रखने के लिए हम लोग ने ये डंजन बनाया था। अगर आप ये वीडियो अभी तक नहीं देखा आपने तो आई विल मैन लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जाने वाले हैं वुडलैंड मेंशन में, क्योंकि यार हम लोग ने बहुत कुछ कर लिया इस वर्ल्ड में, लेकिन हम लोग वुडलैंड मेंशन बहुत सारे ट्रिप पर अभी तक नहीं गए। तो मैं भी बहुत सारे ट्रिप पे भी जाने के रेडी हूँ इस माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड में। तो बिना जाए कि आज हम लोग वुडलैंड मेंशन जाने वाले हैं, तो उसको शुरू करते हैं क्योंकि बहुत सारी तैयारी करनी है। सबसे पहले तो मैप लेना पड़ेगा वुडलैंड मेंशन का, तो वो भी लेना है हम लोग को। ठीक है, तो वो लेते हैं जल्दी से और फिर चलते हैं वुडलैंड मेंशन। तो करते हैं वीडियो को शुरू, चलो वीडियो की तरफ को। तो गाइस, सबसे पहले तो हम लोग को विलेजेस से ट्रेड ही करना पड़ेगा अपना वुडलैंड मेंशन का मैप। तो अगर उससे ट्रेड नहीं किया तो कहीं से मिलने का मौका है नहीं, और इस वर्ल्ड में पूरे इतना बड़ा वर्ल्ड में माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में ढूंढने तो नहीं बैठ सकता कोई बंदा, तो इसलिए ट्रेड ही करना पड़ेगा उससे। तो कार्टोग्राफर से ट्रेड कर लेते सबसे पहले। तो तो ये पेपर का दे रहा है एमरल्ड, तो पेपर तो इजी है हमारे पास बनाना, क्योंकि आपको पता होगा हम लोगों ने बनाया था एक शुगर कैन फार्म भी, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो शुगर कैन सबसे पहले तो अपना वो निकाल लेते पेपर पे, शुगर के निकाल लेते हैं और फिर उससे पेपर बना लेंगे। ठीक है, और ये फ्रॉग तो इधर उधर घूमते रहता है, बहुत बदतमीज़ हो गए। और पिछले वीडियो में हम लोग ने फ्रॉग भी लाया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं बता रहा हूँ, आई बटन पे मैंने लिंक दे चुका हूँ, तो आप जाके देख सकते हैं। और क्यों लाया था वो भी आप कमेंट में बताइएगा मैं क्यों लाया था, अगर आपने वो वीडियो देख लिए तो। ठीक है, चलो तो ये शुगर केन भी हम लोग ने ले लिया, नीचे वाले चेस्ट से भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी भर जाता है यार, मुझे यार बस अगर मैं एक घंटे एफके बैठ गया ना तो इससे ओवरलोड हो जाएगा, इतना ओवरलोड हो जाएगा कि मैं एक लार्ज चेस्ट आराम से भर सकता हूँ फिर से। तो उसका तो मुझे कोई टेंशन नहीं कि यहाँ मेरे पास ख़त्म हो रहा है ये पेपर, कभी नहीं ख़त्म हो सकता, अभी अनलिमिटेड है मेरे पास। ठीक है, तो पेपर तो बहुत सारा बन जाएगा, तो मतलब एमरल भी हमारे पास अच्छे खासे आ जाएंगे, क्योंकि यार मेरे हिसाब से जितना मुझे याद है अभी मेरे पास तो एमरल ख़त्म हो चुके हैं सारे, तो इसलिए हम लोग को ट्रेड ही करके एमरल निकालने पड़ेंगे, नहीं तो फिर हमारे पास एमरल आने का कोई चांस ही नहीं और कहीं से, क्योंकि चार लकड़ी काटो ट्रेड करो बहुत दिक्कत है उसमें। तो सबसे ईजिएस्ट वे मुझे लगता है यही, शुगर केन अपने पास है, पेपर ट्रेड करो, अपने आप ही मुझे एमरल पे एमरल मिल जाएगा। और मैं देख रहा हूँ चार स्टैक भी हो चुके हैं भाई पेपर के, और भी बन जाएंगे अभी। ठीक है, 30 बन जाएंगे अभी, और भाई 5 स्टैक बन गए और बन सकते हैं। ठीक है, 5-6 स्टैक तो बन गया, हाँ 6 स्टैक बन गया, चलो बहुत बढ़िया। चलते हैं अब हम लोग अपने विलेजर के पास, ट्रेड करते हैं उससे, हम लोग अपना एमरल लेते हैं जल्दी से। ठीक है, चलो चलो चलो, अब उतना घूम के क्या जाऊँ यार, ये पानी के रास्ते चलते हैं। और अपने माइनक्राफ्ट के वर्ल्ड को डेकोरेट भी करना है, तो वो भी करेंगे जल्दी से हम लोग। ठीक है, चलो यहाँ पर सबसे पहले तो ठीक है, ये विलेजर से ट्रेड करते हैं एमरल लेके, 2 एमरल यार बहुत कम दे रहा है यार इस हिसाब से तो बंदा। चलो ट्रेड तो अगला वाला नेक्स्ट वाला खुल चुका है, लेकिन थोड़ा एमरल मुझे चाहिए, तो मैं ट्रेड करता रहता हूँ इससे। ठीक है, ये पक्का वो ओशन मॉन्यूमेंट का होगा मुझे पता है, हाँ ओशन मॉन्यूमेंट का ये, मतलब नीचे वाले से मुझे चाहिए अब अपना वुडलैंड मेंशन का मिलेगा, तो मुझे सबसे पहले ग्लास लेके आना पड़ेगा, ग्लास से वो ट्रेड करेगा अभी मैंने देख लिया। चलो जल्दी से ग्लास लेके आता है, मेरे पास ग्लास बहुत सारे होंगे मुझे पता है, इतना ग्लास मैंने बहुत सारे रखे हैं, शायद फर्नेस में भी होंगे और चेस्ट में भी होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो चेस्ट में देख लेते चल के, उधर यार वो सिर्फ नॉर्मल ग्लास बोल रहा है, तो हम लोग वाइट ग्लास ये सब नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर शायद हाँ वाइट ग्लास ही होगा, मुझे पता था मेरे पास वाइट ग्लास ही होगा ज़्यादातर। ठीक है, और चलते हैं देखते हैं, इसमें तो कुछ नहीं है, मुझे लगा ना मैंने ग्लास इधर उधर रखा है। ठीक है, नीचे चलते हैं, फर्नेस के में तो होगा यार, मैंने बहुत पहले दिए थे मेल्ट होने के लिए, हाँ 47 बहुत सारे अभी, चलो बढ़िया। और इसमें से भी निकाल लेते हैं 40-30, भाई बहुत सारे यार, इतना ही काम हो जाएगा हम लोग का। तो चलते हैं बस जल्दी से ट्रेड करते हैं, बारिश भी होगी यार, ओ भाई सब क्रीपर वगैरह, चल जल्दी जल्दी, अरे यार ऊपर आ रहे हैं, सोना पड़ेगा जल्दी चल के, बंदो बंदो बंदो, हाँ बढ़िया जल्दी से सो जाते हैं, दिन करते हैं। ठीक है, फिर चलो गाइस, तो दिन भी हो चुका है, चलते हैं बाहर, मौसम भी साफ होने वाला है। ठीक है, क्रीपर वर्पर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मैं वापस से बिल्ड नहीं करना चाहता अपने स्टोरेज रूम को, बहुत मेहनत लगता है इसको बिल्ड करने में, तो क्रीपर तो अंदर ब्लास्ट करना मैं, मेरा बहुत मेहनत जाएगा, सामान भी जाएगा एक तो, ऊपर से बाकी सब सब मेरे बिल्ड भी जाएंगे एक तो, ये तो। ठीक है, चलो अब कार्टोग्राफर से जल्दी से ट्रेड कर लेते हैं हम लोग अपना वुडलैंड मेंशन का मैप। ठीक है, जल्दी से यार ये वाला ग्लास नहीं लेगा, ये पेन लेगा, ग्लास पेन लेगा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्लास पेन बना लेंगे। सामने मुझे क्राफ्टिंग टेबल दिख गया है,
इसलिए मैं क्राफ्टिंग टेबल ना इधर उधर रखता हूँ यार, कभी भी जरूरत पड़ सकता है ना क्राफ्टिंग टेबल का, इसलिए मैं रख देता हूँ इधर उधर। ठीक है, ये भाई सब बहुत सारे बन गए, 3-2 स्टैक और 2.5 स्टैक बन गए, बहुत है इतने तो, इतने में हो जाना चाहिए शायद नेक्स्ट ट्रेड ऑन, देखते हैं क्या होता है। एक सेकेंड, अरे यार हाँ ठीक है, चलो इससे ट्रेड करते हैं जल्दी से। दिखाओ दिखाओ, यस प्लीज ओपन हो गया। बहुत ने सबसे पहले एमरल ले लेते, जितने एमरल हो रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए 14 एमरल और एक कंपास। ठीक है, कंपास तो है, होगा मेरे पास पक्का, जो मैं अपने ऐसे ही सब सामान वाले चेस्ट में रखता हूँ उसमें होगा मेरा कंपास। मैं जल्दी से उसे भी लेके आता हूँ, जल्दी से चलते हैं स्टोरेज रूम में, फिर उसे भी लेके आते हैं। चलो 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 जल्दी से स्टोरेज रूम तक। ठीक है, जल्दी से कंपास भी ले लेते हैं ना, और कंपास से फिर हमें मैप भी मिल जाएगा, इसलिए फिर उसके बाद वुडलैंड में सिंपली हम लोग तुरंत निकल सकते हैं, उसके बाद ये सही रहेगा। ठीक है, तो कंपास होगा मेरा, कौन से वाले चेस्ट में कंपास रखा होगा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, रुक जाओ। सबसे पहले तो फालतू तो सब सामान रहता है ना उसमें देख लेते हैं, इसमें इसमें नहीं है ग्लास, सब सबसे पहले तो रख लेते हैं सबसे पहले सारा। मिल गया कंपास, ये रहा मुझे मिल गया। ठीक है, कंपास एक हो गया है, एमरल है मेरे पास तो इसका सब झंझट नहीं है, बढ़िया। चलो जल्दी से इसे ट्रेड कर लेते हैं चल के। चल 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 भाई, ये प्लेयर कभी कभी ना रुक जाता है बीच में, ये बड़ा दिक्कत लगता है। देखो ये यार रुक जाता है ये बंदा, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने गोल्डन मेंशन में ट्रैवल कर रहा हूँ आज मैं, अगले वीडियो में शायद मैं अपने वर्ल्ड को पूरा ही ट्रांसफॉर्म कर दूंगा, क्योंकि यार ये वर्ल्ड उतना सही लग नहीं रहा अभी, बिल्ड से मैंने सुंदर तो कर रखा है लेकिन वर्ल्ड वैसा सुंदर नहीं लग रहा अभी देखने जैसे होना चाहिए था। और ये मैप आ चुका है, ठीक है, तो हमें जाना है बिल्कुल इस तरफ। ठीक है, तो इस तरफ हम लोग को निकलना है, जल्दी से हमारा सामान पैक करते, जितना भी मुझे सब काम का चाहिए सारा सामान लेते हैं, फिर चलते हैं अपने वुडलैंड मेंशन की तरफ। ठीक है, चलो तो मैं मिलता हूँ थोड़ी देर में आपको, लाइटर पे डायरेक्ट फ्लाई करते हुए मिलता हूँ। ठीक है, चलिए। तो गाइज हम लोग अभी आए हैं अपने एंड वर्ल्ड में, जाना चाहता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पे मेरा एक्सी फार्म है, तो वहाँ पर से हम लोग को अपना टूल भी सब वापस से अपग्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा पिकैक्स का हालत बिल्कुल ख़राब हो चुका है, टूटने का हालत पर आ गया वो, लेकिन ऐसा नहीं करना करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि हम लोग अभी पूरा फिलअप करेंगे अपना एक्सी बार, क्योंकि यार एक्सी जरूरत है मुझे, वहाँ पर भी जरूरत पड़ सकता है कभी ना कभी। ठीक है, जल्दी से चलते हैं बस अब अपने फार्म में, एंडरमैन वाला फार्म मैंने बनाया है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो मैं आइटम पे लिंक दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो भी देखते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एक्सपी कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जल्दी से चलते हैं। एक सेकंड आ जाओ भाई जल्दी, अब वेट करना पड़ेगा थोड़ा देर, वेट करना पड़ेगा, ये तुरंत फिलअप कर देंगे हमारे एक्सपी बार। मैं अपने सारे आर्मर टूल्स सब अपग्रेड करके जाऊँगा यहाँ से, क्योंकि एक्सपी का मुझे चाहिए होता है कि आपको पता है, अगर आप पहले से मुझे देखते तो मुझे अच्छा लगता है कि सारा कुछ मेरा परफेक्ट रहे मेरा सामान सब, इसलिए मैं एक्सपी पूरा फिलअप करके जाऊंगा। ठीक है, जल्दी से एक्सपी भी कलेक्ट कर लेते हैं, और एंडर पल्स भी कुछ भी मैं ले लूँगा थोड़े बहुत, जो एंडर पल्स है मेरे पास 16 है, चलो बहुत बढ़िया, ये सब अरेंज कर देते हैं, तो एंडर पल भी ज़रूरत पड़ जाता है कभी ना कभी यार। ठीक है, अब लाइटर आ गया तो वैसे उतना ज़रूरत नहीं पड़ता, लेकिन कभी ना कभी पड़ जाता है वो, कुछ आपको सिचुएशन का भी बता के नहीं आता। ठीक है, चलो मैं एक्सपी कलेक्ट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ मैं कुछ देर में। ठीक है, एक्सपी कलेक्ट करके बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, चलो। ठीक है गाइस, तो एक्सपी कलेक्ट हो चुका है पूरा, फुल्ली कर लिया मैंने अपने सारे टूल्स मैक्स, वो नहीं किया क्योंकि वो तो मेरे पास है नहीं, और उसके लिए एनविल चाहिए, एक स्किन बढ़िया वो मुझे लगा गया मैं, उसके लिए एनविल चाहिए तो वो तो अभी नहीं हो सकता अपग्रेड। ठीक है, अरे मैं इधर कहाँ आ रहा हूँ, मैं बार बार ना भूल जाता हूँ, मुझे ऊपर से जाना होता है, मैं बार बार जहाँ पर स्पॉन होता हूँ एंड जाने आने पर वहीं आ जाता हूँ बार बार मैं, लेकिन हम लोग को जाना होता है अपने इस पोर्टल से। ठीक है, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। ठीक है, जल्दी से देखते कहाँ पे हम लोग को स्पॉन करते हैं। ओ हाँ, मुझे याद है बेड तो टूट चुका है ना हमारा। ठीक है, मैं अपने कासल में ज़्यादातर सोता ही नहीं हूँ यार, कासल ही मैंने बहुत बड़ा बना रखा है और उसमें सोता भी नहीं हूँ मैं एक बार भी यार, इसको भी यूज़ करेंगे हम लोग अपने कासल में भी सोएंगे अब से। मैं अपना इधर उधर बेड लगा के कहीं भी सो जाता हूँ, इसलिए बेड टूट गया, अब वहीं पर मुझे स्पॉन कर देता है अपना, जहाँ पर मेरा स्पॉन पॉइंट था पहले वहीं पर स्पॉन कर रखा है ये। चलो कोई नहीं, बाकी से सामान भी ले लेता हूँ मैं जल्दी से, फिर जल्दी से उड़ के चलते हैं हम लोग जल्दी से अपने वुडलैंड मेंशन की तरफ। ठीक है, चलो रॉकेट से मुझे बस कलेक्ट करना है थोड़ा बहुत, क्योंकि यार मेरा रॉकेट ख़त्म होने पे आया है, पूरा ख़त्म हो जाएगा मेरा, पता चला मैं आधे रास्ते में अटक गया पूरी तरह से, वो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अरे यार मेरे पास बहुत सारे एमरल्ड थे फालतू मैंने, भाई इतने यार मेहनत मैंने फालतू में की है, इतने सारे मेहनत यार, ये फ्रॉक क्या कर रहा है यहाँ पे, ये फीटेगा मेरे हाथ से फ्रॉक भी, मैंने कैसे यूज़ किया लाया था और ये क्या यूज़ कर रहा है इसका। ठीक है, तो वुडलैंड मेंशन का अपना जो मैप है लेफ्ट हैंड पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलो
और अपना इस तरफ फ्लाई करते हैं, ठीक है। एक सेकेंड, उड़ जा उड़ जा। हाँ उड़ गया, ठीक है। अपना डंजन ही बहुत सुंदर लगता है यार, दूर से, दूर से क्या पास से बहुत बढ़िया लगता है। आई वाटर मैंने लिख दे दिया, आप जाके देख सकते हैं। बहुत मेहनत लगा था इसको बनाने में, बहुत टाइम लगा मुझे। कम से कम अगर मैं रियल डे का बताऊँ ना कितना टाइम लगा मुझे, तो आप कह सकते हैं कि 2 हफ्ता। हाँ 2 हफ्ता लगा है मुझे। लास्ट माइंड टॉक का वीडियो और उससे लास्ट माइंड टॉक का वीडियो जब आया ना, देख लो आप, ठीक है। चलो यहाँ से जल्दी से, ओ विलेज भी है यार यहाँ पे नीचे, बहुत रहे इस विलेज में आ रखा हूँ। पहला विलेजर अपना इसी विलेज से उठाया था, मेरे मेरे वर्ल्ड में आया था, मतलब मेरे किंगडम में आ चुका है यहाँ से पहला विलेजर, बहुत स्टार्टिंग में वो। और यहाँ पे एक पोर्टल भी है, रुक जाओ, मैंने शायद ही लूट रखा होगा या फिर नहीं, एक सेकेंड देख लेते हैं। चश्मे क्या है, जल्दी से खुल जाए यार, बीच में फंस जाता है। नहीं लूटा तो नहीं, लगे कुछ खास भी नहीं है इसमें, ठीक है कोई नहीं। चलो जल्दी से चलते हैं यहाँ से, लूटा नहीं था मैंने वो पोर्टल, ठीक है कोई नहीं। बहुत दूर, बहुत पहले वाले वीडियो में मैं लाया हूँ यहाँ से विलेजर, एक इस विलेज से ही, तो मुझे याद है विलेज। और अब विलेज में मैं ट्रैवल नहीं करता ज़्यादा इधर उधर, यार क्या ही ट्रैवल करना, अब सब कुछ हमारे पास, इधर उधर क्या ही ट्रैवल करेंगे हम लोग, कुछ नया मिलेगा तो उसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। जल्दी से चलते हैं बस, देखते हैं अब कितना दूर दिखाएगा। अभी तक एरो तो कुछ चलना शुरू हुआ नहीं है, वहीं पे अभी अटका हुआ है, मतलब अभी बहुत दूर जाना है, मैं समझ गया बहुत दूर जाना पड़ेगा। 1000 ब्लॉक हम लोग आ भी चुके हैं और अभी तक कर्सर घूमना भी नहीं शुरू हुआ है, टहल भी नहीं रहा है कर्सर अभी अपने प्लेस से, तो 1200 ब्लॉक आ चुके हैं। लाइटर से ये फ़ायदा है लेकिन बहुत ईजिली काम हो सकता है भाई, मैं एक रॉकेट से मैं जा सकता हूँ 100 ब्लॉक के करीब करीब आराम से उड़ते हुए। और एक और विलेज आ गया, ओ भाई ये तो बहुत बड़ा है, ठीक है कोई नहीं। हम लोग अभी विलेज से कोई काम नहीं है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट, उड़ते उड़ते निकलना है जल्दी से, बस पहुँच जाए हम लोग जल्दी से। अभी तक कर्सर शुरू नहीं हुआ यार, 1600 ब्लॉक आ चुके हैं हम लोग, बहुत दूर है। 2000 ब्लॉक से तो ऊपर ही है पक्का, मैंने इतना तो मुझे पता है 2000 ब्लॉक से ऊपर ही होगा अभी ये, ठीक है। 2000 ब्लॉक देखा पार कर गए हम लोग, पार करने वाले हैं, 1900 ब्लॉक हो ही चुका है और अभी तक कर्सर मूव भी नहीं किया कुछ इधर उधर, ठीक है कोई नहीं। चलो जल्दी से चलते रहते हैं बस, अब देखते हैं कोई अगर सही से जगह है तो अभी रुक के थोड़ा रेस्ट करेंगे, नहीं तो उड़ते रहेंगे अगर एक साथ, अगर अभी कुछ देर में आ गया ये कर्सर खेलने लगा तो, ठीक है चलो। और ये भाई ये प्लेन बहुत, जी ये जगह बहुत प्लेन है, यहीं पर मुझे रखना चाहिए था अपना, ठीक है थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर मिलता हूँ आपसे, ठीक है। तो गाइस हम लोग बहुत दूर तक ट्रैवल करके आ चुके हैं, मैं अभी दिखाना चाहता हूँ मुझे मिला है कैलासाइट का माउंटेन, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरे वाइट वाइट जगह पर है, ठीक है। चलो मैं तो बस ऐसे ही रेस्ट कराते यहाँ पे और मुझे फिर ये मिल गया, ठीक है। तो गाइस हम लोग आप देख सकते हैं बहुत दूर आ चुके हैं, 2600 ब्लॉक भी आ चुके हैं। ये कैलासाइट मैं दिखा देता हूँ आपको, बहुत मस्त लगते हैं मुझे कैलासाइट, मैं कलेक्ट करके ले जाऊँगा, ठीक है। चलो जल्दी से चलते हैं अब हम लोग अपने गोल्डन मेंशन में, देखते हैं अभी कितना दूर है अभी यार, अभी तक ये चालू नहीं हुआ है चलना, ये कर्सर 2700 ब्लॉक आ चुके हैं हम लोग, लेकिन अभी तक सबको आता पता नहीं कहाँ पर जाना है हम लोग को। बस मैं अपना इलाइटर उड़ाते जा रहा हूँ, ये चलता जा रहा है, जितना दूर तक ले जाएगा ये ले जाएगा, वरना यहीं रुक जाएंगे, नहीं तो हम लोग देखते हैं कब तक जाएंगे। हार तो नहीं मानना आज गाइस, हमें आज तो ढूंढ के रहना है हम लोग वुड मैंसन, वुडलैंड मैंसन मतलब, ठीक है। कुछ एक्साइटिंग सा होता है गाइस तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ, वरना हम लोग डायरेक्ट ओल्डन मेंस में मिलेंगे, ठीक है। चलो तो गाइज हम लोग को अभी मिला है एक और पोर्टल, और ये तो पक्का मैंने लूट रखा होगा क्योंकि बहुत दूर आ चुके हैं हम लोग, इतना दूर तो मैं 3000 ब्लॉक इस तरफ में तो मैंने ट्रैवल नहीं किया है, और गोल्ड ब्लॉक भी रखा इधर उधर, तो मैं पक्का नहीं आऊँगा यहाँ पे, नहीं तो ये गोल्ड ब्लॉक बचते तो नहीं पक्का। नहीं 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 यार, यार लाओ में गया, हट यार, एक और गोल्ड ब्लॉक वेस्ट, बहुत गोल्ड ब्लॉक, और नहीं आ गया यार मेरे इन्वेंट्री में आ गया, मुझे लगा गया ये गोल्ड ब्लॉक, बढ़िया बढ़िया मतलब एक गोल्ड ब्लॉक हो जाएगी, वैसे मैं बढ़िया क्यों कह रहा हूँ, मेरे पास गोल्ड फार्म है यार, गोल्ड ब्लॉक मैं अनगिनत बना सकता हूँ खड़े खड़े। और मैं सोच रहा हूँ इस बार ना हम लोग बनाएंगे गोल्ड ब्लॉक का पूरा बीकन, अगर आपको वो देखना हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मैं वो भी जल्दी कर दूंगा, हम लोग पूरे गोल्ड ब्लॉक से बीकन बनाएंगे, मैं विदर से भी जल्दी लड़ने वाला हूँ। और अगर आपको फर्स्ट सीजन, जो बहुत ही पुराने लोग होंगे ना इस चैनल पर, उनको याद होगा फर्स्ट सीजन में मैंने नेदरराइट के ब्लॉक का बनाया था पूरा, और कोई क्रिएटिव मोड नहीं यूज़ हुआ था, पहले बता दो, लोग शुरू हो जाते क्रिएटिव क्रिएटिव क्रिएटिव, लेकिन नहीं हुआ था क्रिएटिव कोई मोड उसमें यूज़, ठीक है। और मैं बहुत पहले बता चुका हूँ यार, मैंने बहुत पहले लाइव स्ट्रीम भी किया था, उससे मैं बता चुका हूँ मेरे पास दोनों वर्ल्ड में से किसी वर्ल्ड का एक्सेस नहीं था, इस चक्कर में मेरा पहला वाला वर्ल्ड भी जा चुका है, पता होगा आपको, ये वर्ल्ड सीजन 2 है इसका, ठीक है। तो अभी उड़ते उड़ते हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं गाइज, और वुडलैंड वेंचर मिल गया है। मैं स्टोरी बता रहा था, बीच में कट कर रहा हूँ भाई, स्टोरी बताऊंगा मैं क्या
क्यों अपना सीजन वन का वर्ल्ड गया मेरा, और सीजन टू हम लोग क्यों चालू किया है, और तो और इस वर्ल्ड का एक्सेस मेरे पास क्यों नहीं, अभी बताऊंगा मैं। सबसे पहले तो सारी तैयारी कर लें, फिर यहाँ पे बेड वेड लगाना पड़ेगा, काफी टेबल बना के रखता हूँ मैं, ठीक है जल्दी से करता हूँ और वैसे वैसे स्टोरी बता देता हूँ, ठीक है। तो सीजन वन का जो वर्ल्ड था हमारा वो हैक हो गया था। इस सीजन के फर्स्ट एपिसोड में मैंने बता रखा है कि वो उसमें ये दिक्कत हो गया था फर्स्ट सीजन वाले में, तो उसमें दिक्कत हुआ था कि कोई हैक कर लेता, क्योंकि उसका एक्सेस बिल्कुल मेरे पास नहीं था उस वर्ल्ड का, मतलब उसमें क्रिएटिव नहीं जा सकता था मैं और कुछ भी नहीं कर सकता अपने मन से उस वर्ल्ड में, बस मैं खेल रहा था। क्योंकि मैं करता ये हूँ कि मैं सारे एक्सेस अपने दोस्त को दे देता हूँ बेसिकली, क्योंकि उसमें ये होता है कि मेरा मन भी अगर क्रिएटिव में जाने का करा तो मैं नहीं जा सकता मैच के बीच में, और मैं नहीं जा सकता किसी वर्ल्ड में क्रिएटिव में, तो इसलिए मैं उसका एक्सेस भी उसको दे रखा था, और बाय मिस्टेक उससे वो एक्सेस किसी के पास चला गया, और फिर वो उस वर्ल्ड में आके अंदर से डिस्ट्रॉय कर दिया उस वर्ल्ड को। तो पता नहीं अब फिर उसके बाद क्या हुआ उस वर्ल्ड का, मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा था। एक बार एक्सेस किया मैंने, अंदर गया, जो मेरा कासल था, मेरा जितना भी बिल्ड था, सब अलग ही कुछ बन रखा था, मतलब वो दिखाने लायक नहीं था, पूरा टूट चुका था, मतलब पूरा बर्बाद हो चुका था। वहाँ पे कुछ और अलग अलग तरह के कुछ ब्लॉक्स लगे हुए थे, पता नहीं क्या था वो, मुझे तो समझ ही नहीं आता उस टाइम क्या हो गया था ये। तो उस वर्ल्ड को फिर मैंने अपने वाले लॉगिन से डिलीट कर दिया माइनक्राफ्ट से, फिर वो वर्ल्ड अभी भी कहीं होगा तो कोई खेल रहा होगा, नहीं खेलता होगा तो फिर आ गया होगा वो वर्ल्ड, मतलब डिलीट हो चुका होगा, लेकिन कोई खेल रहा होगा तो फिर खेल रहा होगा। मैंने उसको अपने माइनक्राफ्ट से डिलीट कर दिया। सीजन टू का मतलब एक्सेस क्यों नहीं मेरे पास, जब पहले सीजन का मेरे साथ ऐसा हो गया, तो एक्सेस इस वर्ल्ड का मेरे पास है, लेकिन इस तरह से नहीं कि मैं ऑपरेटर हूँ अपने इस वर्ल्ड में, मतलब अगर मैं खेल रहा हूँ तो ऑपरेटर नहीं हूँ मैं अभी यहाँ पर, सिर्फ मैं एक प्लेयर की तरह से आया हूँ, ठीक है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे चेस्ट मिल गया, चलो बढ़िया। इसमें है बुक है, हो है और गोल्डन एप्पल, बहुत बढ़िया। तो गाइस मैं तो बता रहा था कि इस वर्ल्ड का मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, ठीक है, खेलते वक्त मेरे पास कोई एक्सेस नहीं है, ऑफलाइन भी कोई एक्सेस नहीं है इस गेम का मेरे पास, मतलब एक्सेस है, मतलब मैं क्रिएटिव मोड नहीं कर सकता हूँ। मैं कर सकता हूँ कि इस वर्ल्ड को पीसफुल, हार्ड ये सब बना सकता हूँ नॉर्मल, क्योंकि वो फार्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज़ मैंने रखा है अपने पास, क्योंकि कुछ कुछ फार्म में चाहिए तो आपको हार्ड मोड रखना होता है, कुछ में पीसफुल, कुछ में पीसफुल नहीं रखना, तो नॉर्मल या हार्ड मोड में नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। पीसफुल तो शायद ही मैंने कभी किया हुआ इस वर्ल्ड को, मुझे तो याद नहीं मैंने कभी किया है, ये चेस्ट में भी कुछ होता नहीं वैसे, चलो इधर चलते चले। तो हाँ, तो बता रहा था कि पीसफुल तो मैंने ओ जेल है एले, इसमें रुक जाओ एले को निकालते, इसको भी बाहर लेके चले यार, और लास्ट में तो मैं इस मेंशन को पूरे आगे लगाने वाला हूँ। इसमें कोई नहीं, ओ इसमें भी एक है, आ जाओ बाहर आ जाओ, ठीक है चलो चलो। एक सेकेंड यार, कुछ ब्लॉक्स फेंक के देंगे क्या, ये उठाते हैं तो क्या बता, मैं आ जाए पीछे अपने आप फॉलो करने लगेंगे फिर ये, रुक जाओ ये सब सामान कौन है, एक सेकेंड रुक जाओ, आ जाओ रुक जाओ बेटा, आ जाओ चलो, गया यार ये फालतू में लड़ते क्यों, जब इन्हें पता है कि नहीं कुछ कर सकते ये मेरा, तो ये वो उठा लेंगे नहीं उठाएंगे तो नहीं उठाएंगे, कोई मतलब नहीं है। चलो कोई यहाँ पे कुछ कोई स्टैचू है यहाँ पे, रुक जाओ, ओ यहाँ पर विंडिकेटर का स्टैचू है शायद ये, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि इस वर्ल्ड का एक्सेस नहीं है बस, ऑफलाइन भी मैं बस पीसफुल और ये सब मैं मोड गेम मोड चेंज कर सकता हूँ, कि मेरे पास पीसफुल, ईजी या फिर नॉर्मल रखना होता है, तो वो सब मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं क्रिएटिव, सर्वाइवल, स्पेक्टेटर ये सब मैं नहीं जा सकता इस वर्ल्ड में, तो उसमें वो दिक्कत आता है, दिक्कत तो नहीं बहुत मज़ा आता है यार ऐसे खेलने, क्योंकि मुझे पता है सर्वाइवल में मुझे सब कुछ करना पड़ेगा, क्रिएटिव में मैं नहीं जा सकता, तो उस हिसाब से माइंड सेट बन जाता है एक हर चीज़ का, और क्रिएटिव में जाके भी खेलने फिर कोई फ़ायदा नहीं होता गेम का ना, तो इसलिए मैं क्रिएटिव में नहीं रखता गेम को, ठीक है। बैक स्टेज में मैं क्रिएटिव से कुछ भी नहीं करता हूँ। तो बात रहा कि जो मेरे दोस्त के पास एक्सेस है वो आता है कि नहीं इस वर्ल्ड में, हाँ तो आता है। ओ एक सेकंड यार, आर्मर ट्रिम मिल गया, बहुत बढ़िया, ये आर्मर ट्रिम भी रेयर होता है, चलो ये भी मिल गया, धीरे धीरे करके सारे आर्मर ट्रिम मिल जाएंगे मैं बता रहा हूँ ना। हाँ तो वो भी आता है वर्ल्ड में, ऐसा नहीं कि वो भी नहीं आता, बैक स्टेज वो भी मदद करता है कुछ कुछ बिल्ड का, जो सामान लेना होता है तो वो भी मदद कर देता है, लेकिन ऐसा सच कुछ बड़ा काम नहीं होता उसका, बस वो वर्ल्ड को मेंटेन करने में लगा हुआ है, कि क्योंकि यार आपको पता है वायरस और ये सब अपडेट करने का भी बहुत मसला होता है उसमें, तो वो सब वो हैंडल कर लेता है, उसमें कोई टेंशन वाली बात। एक सीनियर इधर जॉम भी है, रुक जाओ ये अटैक नहीं करेगा, सर फंसा बड़ा है, इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं, नेम टैग ले लेते हैं, ये फंसा बड़ा नहीं तो अब तक तो मारने आ जाता है, चलो कोई नहीं, इधर ऊपर तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो बस बाहर देखता है सब कुछ, वर्ल्ड का कुछ भी जो ऑपरेट करना होता है वो देखता है सिर्फ वो, ठीक है।
एक सेकंड यार, इसके अंदर कुछ है क्या? मुझे लगता है इसके अंदर कुछ होता होगा। चलो कोई नहीं, जब मैं इसमें से मुझे तो ये तो चली जाएगा, वो लाइए तो पूरा ठीक है। यहाँ पे भी कुछ कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है आगे देखते हैं, कुछ मिल जाए, कुछ खास मिल जाना चाहिए। यहाँ पे तो खेती चल रहा है इनका, ठीक है चलो। ये खेती भी ऊपर क्रीपर है भाई, अरे नीचे आ जाएगा ये तो। चलो चलो कोई नहीं, यहाँ से निकलते हैं, कोई काम नहीं यहाँ पे। दूसरी साइड चलते हैं या फिर ऊपर चलते हैं अभी, ठीक है चलो जल्दी से चलते हैं। ठीक है तो क्रिएटिव में तो इस वर्ल्ड में जाने का कोई ख्याल ही नहीं होता। पहले वर्ल्ड में तो बिल्कुल ही नहीं था मेरे पास एक्सेस, मतलब आप कह सकते हो सिर्फ मैं, अगर मेरे पास इस वर्ल्ड में था, पिछले वाले वर्ल्ड में सीजन वन में मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं बस सर्वर को ऑन ऑफ कर सकता था, मेरे पास बस इतना ही एक्सेस था सर्वर को ऑन ऑफ करने का। मैंने कुछ नहीं रखा था उस टाइम अपने पास। लेकिन जब ये वो वर्ल्ड वर्ल्ड हैक हुआ तो समझ में आया कि नहीं, कहीं कहीं पर कुछ कुछ रखना पड़ता है अपने पास। तो इसलिए मैंने फिर एक्सेस रखा, थोड़ा बहुत अपने पास रखा, कि क्रिएटिव मोड और ये सब नहीं रख सकते। क्रिएटिव मोड में वो भी नहीं जा सकता है जो दोस्त है, क्योंकि उसका भी ऑफ किया हुआ है। बेसिकली एक थर्ड है हम लोग का सिस्टम है, उसमें रहता है वो चीज़ सब, क्रिएटिव वेटिव, तो भी एक्सेस कोई करता नहीं जल्दी, ठीक है। तो वो तो कोई एक्सेस नहीं कर सकता बेसिकली, तो क्रिएटिव में जाने का नामुमकिन है, कोई नहीं जा सकता गेम में। और जितना मसला है ना गेम में क्रिएटिव जाने का, जितना मैं दिक्कत लूँगा क्रिएटिव जाने, उससे अच्छा सर्वाइवल में करूँगा। बहुत दिक्कत है, बहुत झंझट है, क्रिएटिव में जाओ पहले इसमें फिर सर्वाइवल में करो, बहुत दिक्कत है। तो वीडियो बनाने टाइम तो नहीं, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा वो, क्योंकि मैं वीडियो बनाऊंगा फिर बैक स्टेज में वो करूँगा फिर वो करूँगा, तो वो तो नामुमकिन है, मैं नहीं कर सकता। अगर ऑफलाइन में कुछ करना होगा तो उसके लिए मुझे सबसे पहले 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, ऐसा है टाइमर है यहाँ पे। अगर क्रिएटिव मोड ऑन करना है 2 घंटा वेट करना पड़ेगा, और फिर आपको अगर चाहिए भी उसके बाद तो सिस्टम हर बार नहीं आपको अलाउ करता क्रिएटिव मोड के लिए, ऐसा है इसमें, तो हर बार नहीं अलाउ करेगा ये क्रिएटिव मोड। तो वो भी हम लोग ने इसमें इस वर्ल्ड में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं किया सच। मैंने एक ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत पहले, जब इस वर्ल्ड को बनाया नहीं था, जब हम लोग ने ऐसे सोचा था कि ऐसे कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि जो पहले वर्ल्ड के साथ हुआ तो मैं वो नहीं चाहता कि इस वर्ल्ड के साथ भी हो, क्योंकि यार पहले वो, एक मिनट यार क्रीपर रुक जाओ, इसे बताता हूँ मैं। पहले वर्ल्ड में यार मैंने बहुत मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ था मेरा। अरे एक सेकेंड, सब जगह फूट फूट रहा है ये सब, ठीक है इधर तो कुछ नहीं है, ये स्केलेटन नहीं मारी जाएगा अपने, फालतू है क्यों फालतू में लड़ना इससे। हाँ तो फर्स्ट वर्ल्ड में यार जो भी हुआ ना, मैं नहीं चाहता था कि सेकंड वर्ल्ड में हो, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड में यार बहुत मेहनत लगा था बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत लग गया था मेरा, तो बहुत टाइम लगता था उसमें, और वैसे हैक हो गया, और भाई बहुत दिन तक मेरा मतलब मूड ख़राब हो गया था पूरा, कि इतने मेहनत करने के बाद भी आपके साथ ऐसे हो जाता है तो आप किसी का मूड ख़राब हो जाएगा वो बेसिकली है। तो फिर हम लोगों ने फिर ऐसा प्लान बनाया कि ऐसे रखना चाहिए कि हैक भी नहीं कोई कर सके। अब इस वर्ल्ड हैक करना बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बस इस इवोकर को मार दिया मैंने, टोटम, अरे यार इन्वेंटरी सबसे पहले खाली करना पड़ेगा, टोटम भी उठा लेते हैं, जितना टोटम मिलता है यहाँ से सब उठा के ले चलेंगे। बेसिकली मैं टोटम के लिए आया हूँ थोड़ा सा, और फिर अपना ये भी एडवेंचर कम्प्लीट हो जाएगा कि हम लोग यहाँ भी आ गए, ठीक है चलो। यहाँ पे अब ऊपर चलते हैं, इस साइड का तो मैंने पूरा कम्प्लीट कर लिया, उस साइड का मैंने देख लिया, अब ऊपर देखते हैं सीढ़ी कहाँ है इधर की, चलते हैं ऊपर, ठीक है ये रहा सीढ़ी, और चलो जल्दी से ऊपर, लास्ट फ्लोर है फिर। अरे ये इधर कोई छुप के बैठा है, चलो कोई नहीं, इन लास्ट फ्लोर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा छानबीन करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं अपना इस मैजे में, पूरे जला देंगे पूरी तरह से, ठीक है जल्दी से बस देखते हैं। ओ ये वो कर यहाँ, चल भाई तू भी गया, ठीक है एक और टोटम इसको भी लेने के लिए। यार ये तो स्टैक भी नहीं हो सकता ना, इनको लेने के लिए फेंकना ही पड़ता है कुछ ना कुछ, ठीक है। और कुछ यहाँ पे तो इधर नहीं है कोई, ठीक है इधर, जबकि वो कर होता है ज़्यादातर मेरा, जैसे मैंने जितना अभी तक एडवेंचर किया है। और बेसिकली मस्त बात यह है कि लास्ट वर्ल्ड का सीजन वन का लास्ट एपिसोड ही वोल्डर मेंशन का था, तो यार प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस वीडियो का भी एंड वोल्डर मेंशन ही हो, मैं नहीं चाहता। तो उस वीडियो का भी एंड वही था वोल्डर मेंशन, मैंने लास्ट डाला, उसके बाद वीडियो नहीं आया उस पर, क्योंकि बेसिकली हुआ था क्या, वोल्डर मेंशन में ही वीडियो बनाते बनाते 2 बार ग्लिच कर चुका था वो, तो उस टाइम तो नहीं लगा कि कुछ होगा उस वर्ल्ड में, क्योंकि यार ग्लिच किया था जिस तरह से, बीच में आते रहते 2 बार ग्लिच करके मैं वापस अपनी जगह पे स्पॉन हो जाता था जहाँ पे रहता था मैं। यार मैं मर जाऊँगा, रुक जाओ एक सेकंड मैं बताता हूँ, स्टोरी बता रहा हूँ क्या हो रहा था, रुक जाओ सबसे बचना। अरे भाई बहुत लोग हैं यार, एक सेकेंड बचना पड़ेगा, 2 हार्ट बचे हैं, टोटम है मेरे पास, लेकिन नहीं यार मैं मरना नहीं चाहता, बेइज्जती हो जाएगा यार मेरे पूरी तरह से, रुक जाओ एक सेकेंड, आ जा आ जा आ जा आ जा, बस बस तलवार से जाएंगे ये,
वो को ना रिलोड होने बहुत टाइम लगता है। ठीक है अब आ जा भाई बेटा, तू तेरे को देखता हूँ मैं, आ जा एक सेकेंड, बस 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 गया, चलो बढ़िया ठीक है। अरे यार ये बच्चा ना, आ जा आ जा आ जा आ जा, ये गया, इस बच्चे को मारते हैं, बहुत तड़पाता है, चलो ये भी गया ठीक है। हाँ तो क्या बात कर रहा था मैं, हाँ तो पहले वर्ल्ड के लास्ट में जो एक सेकेंड वो कर कोई मार देता हूँ, फिर बताता हूँ अभी बता रहा हूँ। बस ये टोटम उठा लेते हैं, सबसे पहले पूछो टोटम काफी को, हाँ ठीक है बोलने हैं, हाँ चलो ये हो गया। तो गाइज यार बहुत, अरे यार ये क्या हो गया, हाँ तो अरे यार ये सबसे लड़ना पड़ेगा, मैं थोड़ी देर में ये सब बात करता हूँ ना, क्या कहते हैं कि क्यों ये बंद हो गया फर्स्ट सीजन का वर्ल्ड, ये सब है थोड़ा सा मसला, इस पर भी वीडियो बनाऊंगा मैं क्यों हुआ था ऐसा, क्योंकि कभी कभी लोगों को रह जाता है कि क्यों हुआ था, तो है थोड़ा सा पर्सनल था वो चीज़, लेकिन अब बताने में कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इस वीडियो में बता देता हूँ ठीक है। चलो सबसे पहले तो ऊपर चलेंगे, कुछ करना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर चलेंगे क्योंकि लास्ट फ्लोर है, इसके बाद हम लोग को ये पूरा मेंशन जलाना है। हाँ हाँ जलाता हूँ, अभी तुम लोग साथ में चलोगे, जलाता हूँ, रुक जा भाई खाना खाने दे, बस एक बार पेट भर जाए ना मेरा, ऊपर आ जाने दो, ऊपर आने दो। अरे यार ये वैक्स कहते हैं ना इन्हें, हाँ वैक्स भी जाने नहीं देंगे, ये बदतमीजी कर रहे हैं, रुक जा। यार ये इन्हें मारना ही बहुत मुश्किल हो जाता है यार, इनका एक तो इतना छोटा शरीर लेके घूमते नहीं है, और दिए जाते हैं भाई दो हार्ट बचा है सिर्फ, ओ शिट 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 शिट, रुक जा, आज एक गया बढ़िया, एक गया दो बचे, दो बचे तीन बचे है शायद मेरे हिसाब से, ये फूल कहाँ से आ गया अचानक से, सर किसी ने फेंका ना गाइस, ये फूल कैसे आ गया अचानक से यार, मुझे नहीं पता, पता नहीं कैसे आ गए यार ये फूल। चलो कोई नहीं देखते हैं, सबसे पहले तो ऊपर चलते हैं क्योंकि यार ऊपर का लास्ट फ्लोर बचा है, दो लोग पीछे से आ रहे हैं, एक सेकेंड इनको बो से मारना है थोड़ा इसी जगह, एक गया एक और जाएगा, बो से मारना इतना ईजी इसलिए क्योंकि इसमें टारगेट मिल जाता है इन पर, ठीक चलो बस पास आ जाए, अभी मैंने बोला बो से मारना ईजी है, मर गया, बहुत बढ़िया। चलो हम बस स्टेयर ढूंढना है, कहाँ चला गया ये स्टेयर, इधर से तो आया है हम लोग, इधर नहीं जाना, वापस पीछे मुड़ना पड़ेगा, रुक जाओ पीछे होगा रास्ता, एक सेकेंड इधर इधर नहीं है, रुक जाओ थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इधर के इधर होगा, हाँ ये रहा स्टेयर, बहुत बढ़िया मिल गया। हाँ तो मैं बता रहा था कि थोड़ा सा हुआ था उस टाइम कि माइनक्राफ्ट बंद करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम माइनक्राफ्ट पे उतना फर्स्ट सीजन में उतना व्यू भी नहीं आता था, और मॉडर्न स्ट्राइक पे आ रहा था उस टाइम, आपको नहीं पता हो तो एक मॉडर्न स्ट्राइक का सीरीज चलता था जो अभी मैंने बंद कर रखा है, तो उस टाइम मॉडर्न स्ट्राइक पे ज़्यादा थोड़ा सा रहता था और माइनक्राफ्ट पे थोड़ा कम रहता था, तो जब सीज़न 1 बंद हुआ तो लगा कि माइनक्राफ्ट को बंद ही कर देते हैं क्योंकि अब वर्ल्ड ही चला जा चुका है, अब फिर से अगर मैं कभी वर्ल्ड चालू करता हूँ तो फिर दिक्कतें बहुत होंगी, क्योंकि फिर से आपको उतना ग्राइंड करना पड़ता है, और आपको जो फर्स्ट सीजन में दिखा चुका हूँ वो सेकेंड सीजन मुझे नहीं दिखाना था, तो मैंने उस टाइम लगा था कि आइडिया क्या मैं सोचूंगा, कोई आइडिया नहीं था मेरे पास कि एक नया सीज़न शुरू करना है, तो उस टाइम तो आया नहीं था ख्याल ऐसा कि नया सीज़न भी शुरू कर दूं मैं, कि यहाँ पर नया सीज़न शुरू करके और आपको फिर अलग चीज़ दिखा दूँ यहाँ पे, वो नहीं हो पा रहा था उस टाइम, तो हुआ ये कि लगभग लगभग शायद एक हफ्ता दो कितना पता नहीं यार, अब याद नहीं, बहुत पुराना बात है, 2 साल शायद हो गया उस चीज़ को, तो हुआ ये था कि एक सेकेंड इस चेस्ट में बहुत ने बहुत मशीन आर्मर ट्रिम मिल गया, मकड़ी यार मैं मॉब से लड़ना ना चाहता नहीं हूँ, ये सबसे एक दो हिट में चल देते हैं, हाँ तो मैं बता रहा था कि उस टाइम जब हुआ था तो उस टाइम रियलिटी ये था कि बहुत दिन तक माइनक्राफ्ट का वीडियो डाला नहीं था, खुद ही मन नहीं अच्छा लग रहा था, और कमेंट भी आया था कि माइनक्राफ्ट का वीडियो वापस है, तो लगा कि हाँ कोई लोग चाह तो रहा कि माइनक्राफ्ट का वीडियो आए, लेकिन ये था कि सीज़न 1 तो नहीं हो सकता था क्योंकि वो अब मेरे कंट्रोल में नहीं था, मेरे हाथ से जा चुका था, और जो मैंने बताया था कि वुडलैंड मेंशन में जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें भी बहुत सारे ग्लिचेस हुए थे, तो हुआ था ये कि जब वुडलैंड मेंशन में था मैं तो 2 बार ग्लिच करके बंद हो चुका था अपने आप, क्योंकि उस टाइम मुझे ऐसा लगा था कि ये अपने आप हो रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि उस टाइम एंटर कर चुका था हैकर वर्ल्ड में ठीक है, तो उसका नेम टैग नहीं आया था उस टाइम एडिटिंग के टाइम भी, मैंने सोचा क्लिप में नहीं दिखाऊंगा, या फिर एडिटिंग टाइम जब उस टाइम एडिट करा होगा तो मैंने देखा नहीं होगा, कट हो गया उस टाइम कि कोई आया हो एंटर, लेकिन नहीं आया था उस टाइम, तो लेकिन हुआ यह था कि जब मैंने वर्ल्ड में देखा सर्वर में जाकर पहले देखा तो हाँ एक्सेस था किसी का, कोई कर लिया था एक्सेस, और फिर उसने पूरे वर्ल्ड को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया और मेरा ही IP चेंज कर दिया जिससे मैं लॉग इन ना कर सकूँ, वो सर्वर का पूरा पासवर्ड चला गया था मेरे पास से, सब कुछ जा चुका था इसलिए वो वापस से मेरे पास नहीं था कुछ,
तो उसका बहुत ही टेंशन हुआ था मेरा उस टाइम, और दिन भी हो चुका है गाइस, मैं थोड़ा सा सो के आया हूँ क्योंकि यार अच्छा नहीं रहता ना रात में, सही से कुछ दिखता नहीं है वहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा सो लिया। और अभी चलते हैं नीचे, थोड़ा अंडरग्राउंड चलते हैं क्योंकि फ्लिंट एंड स्टील बनाना है, तो मेरे पास फ्लिंट है और बस स्टील चाहिए, मतलब आयरन चाहिए, तो उसके लिए नीचे चलते हैं, आयरन मिल जाएगा आराम से, फिर हम लोग आराम से जला देंगे इस पूरे मंदिर को। ठीक है चलो जल्दी चलते हैं, इसको टेक डाउन करते हैं, और वैसे ही बात करता रहा था मैं आपसे। ठीक है तो अच्छा लगता है बात करने में, आपको भी अच्छा लग रहा है सुनने में, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बताइएगा कि हाँ मैं ऐसे बताते रहूँ स्टोरी अपना कुछ कुछ, तो मुझे भी मजा आता है ऐसे में। ठीक है मतलब ऐसे स्टोरी टाइम तो नहीं बताऊंगा मैं, कभी नहीं बनाऊंगा वैसे, वैसे मैं मेरा कोई स्टोरी नहीं वैसे जो बताऊँ आपको, लेकिन ये माइनक्राफ्ट से रिलेटेड था थोड़ा सा, इसलिए मैंने बता दिया। तो हुआ यह था कि उस टाइम जब आया कि वो वर्ल्ड तो नहीं मैं लॉग इन कर सकता था फर्स्ट सीजन वाला, तो हुआ ये कि सेकेंड सीजन में जाना है मुझे, था कि अब चालू करना पड़ेगा क्योंकि सेकेंड सीजन में माइनक्राफ्ट खेलने का मेरा ही मन बहुत हो रहा था, और लोग कमेंट कर रहे थे कि माइनक्राफ्ट चाहिए उन्हें। तो फिर हुआ कि सेकेंड सीजन का चालू करना था मुझे, तो आइडिया चाहिए था फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड में क्या करूँ, तो मेरा बात हुआ मेरे दोस्त से, वो साथ ही खेलना चाहता था, और एक सेकेंड मॉस एरिया मिल गया मुझे लगता है, हाँ मिल गया, चलो आयरन भी ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, ढूंढते जल्दी से आयरन भी, एक सेकेंड ये ब्लॉसम भी बहुत है यार मेरे घर पे है, मिल जाते हैं ब्लॉसम मेरे पास, लास्ट वीडियो के चक्कर में है मेरे पास ब्लॉसम बहुत सारे, बस ग्लो बेरीज ले लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, क्योंकि ग्लो बेरीज का अकाल पड़ रहा है मेरे वर्ल्ड में ना थोड़ा एम्पायर में, तो इनके एक दो ले लूँगा मैं, तो फिर इनसे मैं अपग्रेड फिर बोन मिल मार मार के ले लूँगा मैं फिर और ज़्यादा। ठीक है तो सेकेंड सीजन के लिए जब मैं था वहाँ, बात कर रहा हूँ वापस से, सेकेंड सीजन के लिए जब मैंने तो ऋषभ को अप्रोच किया कि वो आ जाए मेरे साथ खेलने के लिए, क्योंकि फर्स्ट सीजन में कोई नहीं था पार्टनर, और माइनक्राफ्ट थोड़ा पार्टनर था खेलने में मज़ा आता है। ठीक है तो ऐसा अब है कि ऋषभ नहीं चलता मेरे साथ, आप लोग बोलो उसको जाके, उसका चैनल है अगर मिला तो मैं लिंक दे दूंगा, एनिमे का कुछ करता है वो अभी कुछ, मतलब वो जो टॉक्स होते हैं एनिमे क्लिप्स ये सब कट करके वो सब डालता है वो। ठीक है तो वो फिर अब छोड़ चुका है वो, अभी नहीं यहाँ पे खेलता मेरे साथ, क्योंकि उसका भी अभी थोड़ा सा पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा है मसला उसका। ठीक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आना होगा तो आ जाएगा, हम लोग कुछ प्लान कर रहे हैं ऐसे, अच्छा लगेगा आपको वो चीज़। ठीक है वो भी बात होगा आगे कभी हुआ तो। ठीक है चलो अब इसको पूरा मैंशन को जला भी देते हैं अब। ठीक है बाहर आने का मैंने सीन ही दिखाया बहुत, वापस से क्या मैं वापस ऊपर आता ऊपर जाता नीचे जाता ऊपर आता वैसे करते रहता फालतू में। ठीक है थोड़े से मैं कॉबल स्टोन तोड़ रहा हूँ ताकि, अरे यार ये तो स्लैब है, कॉबल स्टोन तोड़ रहा हूँ ताकि फर्नेस बना सकूँ मैं। ठीक है ये सब तोड़ता हूँ जल्दी से, तब तक बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है तो रिसर्च से मैंने जब अप्रोच किया तो वो शुरुआत में आने के लिए रेडी हो गया, तो हम लोगों ने शायद कितने सारे एपिसोड साथ में बनाए हैं, और उस टाइम माइनक्राफ्ट का एपिसोड सोचने के लिए भी मुझे बहुत टाइम लगता था, इसलिए आप पहले अगर दोबारा जाओ के देखोगे कि बहुत लेट आता था एपिसोड, बहुत ज़्यादा लेट आता था, फर्स्ट एपिसोड आया सेकेंड एपिसोड आने बहुत टाइम लग रहा है, उसके पीछे मॉडर्न स्ट्राइक मैंने बहुत सारे गेम खेले, फिर आ रहा है वो माइनक्राफ्ट का, क्योंकि एक एपिसोड से दूसरे एपिसोड जाने में बीच में जो प्लानिंग रहता था वो बहुत टाइम लेता था, और शुरुआत में वैसा सपोर्ट नहीं मिला था माइनक्राफ्ट में, दूसरे एपिसोड में थोड़ा सा मिला था, उस पर चले गए थे 100 से कुछ ज़्यादा व्यू थे उस पर, तो बहुत अच्छा लगा था उस टाइम देखने के, सेकेंड सीजन में पसंद भी आ रहा है क्योंकि सेकेंड सीजन में पूरा कॉन्टेंट ही चेंज कर दिया था माइनक्राफ्ट का, सेकेंड सीजन में आके इतना बड़ा घर बना दिया था मैंने कि उतना बड़ा नहीं बना सकता था कोई उस टाइम, मतलब सेकेंड एपिसोड में कोई नहीं बना था उतना जल्दी, तो वो कर दिया था मैंने, और पहला एपिसोड में ऋषभ खो भी गया था, तो उसके चक्कर में भी थोड़ा बहुत था कि ऋषभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगले एपिसोड में। ठीक है तो हुआ था ये कि फिर तो आ गया ऋषभ, आ गया सब कुछ हो गया स्टार्ट, एक सेकंड सबसे पहले फ्लेंट मिलता, ओ पहली बार में मिल गया, बहुत बढ़िया, फॉर्चून के वजह से लोग ना तो यही होता है पहली बार में मिल जाता है ये, जो कि बहुत ही बढ़िया। चलो आयरन भी स्मेल्ट हो गया, इसको भी फ्लिंट एंड स्टील बनाया जाता है। ठीक है चलो ठीक है तो अब इसको जलाना पूरा शुरू करते हैं जल्दी से, एक सेकेंड यहाँ से उड़ के चलते हैं जल्दी से, जलाते हैं अब इसको पूरा, जलाता हूँ मैं। ठीक है और बात कर लेते हैं अभी, और थोड़ा सा है। ठीक है मज़ा आ रहा होगा आपको, नहीं तो यार बता देना अगली बार, मैं फिर ये सब बात नहीं करूँगा, मज़ा आ रहा तो सुन लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है चलो तो फिर हुआ कि जब सेकेंड एपिसोड आया तो बहुत बढ़िया चला वो, फिर उसके बाद थोड़ा और ब्रेक लगा, मतलब थर्ड एपिसोड में जाते जाते तक और रुका मैं, फिर हुआ कि एक और बंदा लाना चाहिए, जब हम मैंने और ऋषभ में बात किया एक साथ कि एक और बंदा लाना चाहिए, तो उसके लिए लेके आया मैं
वो भी आया, वो बहुत कम सा एक दो एपिसोड आया वो सिर्फ, वो फिर उसके बाद नहीं आया उसको, वो था पर्सनल मैटर उसका कुछ तो वो नहीं आया। फिर उसके बाद वीडियो में कभी उससे बात होता है, वो आना चाहता है लेकिन वही पढ़ाई का बहुत उसका है तो इसलिए नहीं हुआ है। 12th है वो भी, मैं भी 12th में हूँ, वो भी 12th में, तो उसका बहुत दिक्कत हो जाता है पढ़ाई का, साइंस का स्ट्रीम है उसका, तो बहुत दिक्कत होता है उस चक्कर में उसको। लेकिन कोई नहीं, कभी आना होगा तो आएगा वो वापस से, हमेशा से रेडी हूँ मैं उसके सब काम करने के लिए वापस से। ठीक है, तो वो आया, फिर जब बहुत लेट आता था उस टाइम माइनक्राफ्ट का, वीडियो खेलने का बहुत मन करता था मेरा, लेकिन अब मैं ऑफ कैमरा जितना भी खेलूँ लेकिन वो ऑल ऑफलाइन खेल रहा हूँ मैं, ना ऋषभ रहता था उस टाइम मेरे साथ, लेकिन ऋषभ के बारे में तंग नहीं कर सकता था यार उसको, वीडियो के लिए मैं बुलाता था सिर्फ, ज़्यादातर ऐसे भी आता था वो, बहुत बार आता था वो ऐसे भी, लेकिन वीडियो के लिए ज़्यादातर मैं बुलाता था, तो वीडियो के लिए भी आइडिया सोचना रहता था कि थर्ड एपिसोड में क्या करना, फोर्थ एपिसोड में क्या करना, ऐसा क्या करना है। शुरुआत में था कि सब कुछ सेम ही रहेगा, ज़्यादातर रहता था कि ज़्यादा नहीं सोचना है, चलता है पहले थोड़ा सा चलता है तो चलाते हैं। फिर हुआ कि अब था कि फर्स्ट सीजन ने जो किया उसका भी डबल करना है हम लोग को इस सीजन में, तो फर्स्ट सीजन आयरन फॉर्म नहीं बना था और वो माइनक्राफ्ट का पहला वीडियो था जो कि भाई वो चलाता मेरा माइनक्राफ्ट का पहला वीडियो, तो आयरन फॉर्म बनाया और बेडरॉक एडिशन में आयरन फॉर्म बनाना, पॉकेट एडिशन में आयरन फॉर्म बनाना बहुत ही बड़ी बात होती है यार उस टाइम। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बढ़िया था, और ये पूरा मेंशन भी जल चुका है बहुत बढ़िया, एक सेकेंड, ज़्यादा नहीं जला ऊपर से थोड़ा बहुत जला है, देखते हैं अभी क्या कुछ मिलता है अंदर, तो जल्दी से, अरे यार रुक जा एक सेकेंड यार, ये नीचे गिर गया, मैं थोड़ा सा बात करते थोड़ी देर में हम लोग, ठीक है सबसे पहले तो ये देख लेता हूँ मैं यहाँ पर, अरे यार उड़ता क्यों नहीं है यार ये बंदा, थोड़ा सा बात ही कर लेते उड़ते उड़ते तक। तो जब फिर आर्मी वाला फॉर्म चला तो वो वीडियो चल गया, तो फिर उसके बाद से मैंने पूरा चेंज कर दिया अपना कॉन्टेंट, सब कुछ फास्ट था, बस एंड ड्रैगन को मारने में टाइम लगाया, बाकी सब कुछ फास्ट था, जो फर्स्ट सीजन में मैं जितना लेट कर रहा था हर चीज़ को करने में उतना जल्दी मैं इसमें करना चाह रहा था। तो आप देख सकते हैं अभी कुछ एपिसोड हो चुके हैं इस वर्ल्ड का, और मैं बढ़िया करते रह रहा हूँ इसके साथ, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, मैं बढ़िया करता रहूँगा इस पर, और भी इसमें बहुत ही मज़ेदार मज़ेदार कंटेंट आने वाले हैं इस माइनक्राफ्ट से मेरे रिलेटेड है, बहुत ही मज़ा रहेगा बस इसको सपोर्ट करना है आपको गाइस, तो ये आ जाएगा फिर मैं शुरू कर दूंगा उस पर भी काम। ठीक है, चलो जैसा कि लास्ट एपिसोड में जो मैंने ड्रैगन का एग के लिए उस पर बनाया, वो पहला 1000 व्यू पार किया मेरा लॉन्ग वीडियो पे इस चैनल पे, तो उसको लेके के बहुत मैं खुशी हुई। तो और अभी तो कार फॉर सेल का भी चल रहा है, तो वो अगर कार फॉर सेल भी नहीं देखा ना आपने तो आप, मैं रिकमेंड करूँगा आप जाके देखें, कार फॉर सेल भी बहुत ही मज़ेदार है, आप जाएँ देखें बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखने में। ठीक है, ओ या एक सेकेंड भाई, ये तो सीक्रेट रूम है, रुको 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 रुको, ये सीक्रेट रूम है, इसके अंदर एक डायमंड ब्लॉक रहता है, ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन ये सीक्रेट रूम है, वुडलैंड मेंशन में इसका रेयर चांस होता है यार, इसको मिलना भी बहुत रेयर चांस होता है, अगर मुझे कहीं अगर गूगल पता चला तो मैं कट करके आपको दिखा दूँ। वो यहाँ पे एक और रूम है भाई, डबल शिट, इसका रेयर चांस, ये अगर गूगल पे मिला ना कितने परसेंट चांस होते हैं, मैं पक्का कमेंट में दे दूंगा कितने में होते हैं, कमेंट नहीं तो वीडियो पे अभी पेस्ट हो जाएगा आपके सामने अगर मिला होगा मुझे तो। ओ आर्मर ट्रिम फिर से मिल गया, मैंने पुराने वाले आर्मर ट्रिम जो थे ना मैंने चेस्ट में डाल दिए, बाकी ये सब एंडर चेस्ट में डाल दिए और सल्कर बॉक्स में, ठीक है, तो बाकी सब ये सब इसमें बुक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, वो अपना आर्मर ट्रिम तो बहुत सारे हो गए, वो भी बहुत मज़ेदार चीज़ है। चलो तो अब वो डायमंड का जो था ना वो लूट लेते हैं, वो सही रहेगा। ठीक है, तो था मैं स्टोरी पे अपने, तो वहीं पर से फिर जब विलेज का आपको पता नहीं होगा कि अगर आपको पता है तो कस्टम विलेज मैंने बनाया अपने वर्ल्ड में, तो उसको बनाने में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगा था, सबसे लंबा लेंदी कंटेंट था 3 पार्ट में, वो एक चीज़ पे था 3 पार्ट में वो वीडियो, तो ऐसा कभी करता नहीं हूँ मैं, एक पार्ट में जितना ख़त्म करना चाहता हूँ मैं हर बार, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था यार, वो इतना लंबा हो रहा था, उसका फाइल इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे, स्टोरेज के चक्कर में दिक्कत हो रहा था, और फिर तो भाई उसमें बहुत टाइम लगा, उसमें अच्छा रिस्पॉन्स आया मेरे पास भाई, इतना मज़ेदार का सब रहा, उसमें मज़ा आया मुझे। और एक सेकेंड, सबसे पहले डायमंड निकाल लेते हैं, ठीक है डायमंड भी निकालेंगे, और फिर मैंने सोचा कि और अच्छा कर सकते इसको, अभी मैं और भी अच्छा करूँगा इसको, इस वर्ल्ड को और मज़ेदार बनाने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट क्रिस्पी मज़ेदार बनेगा ये वर्ल्ड भी, तो इस पर मैं बात कर सकता हूँ, अगर आप कमेंट बताना अगर आपको इस पर और इस ऐसे चीज़ पर और बातें चाहिए कि सीजन वाले वर्ल्ड सीजन 1 के वर्ल्ड में क्या और क्या हुआ था,
क्योंकि सिर्फ एक एपिसोड का मतलब मसला नहीं है वो कि वुडलैंड मेंशन में गया उसमें दिक्कत हुआ तब हम लोग के साथ ऐसा हुआ। नहीं, गलत समझ रहे हैं आप, ऐसा नहीं हुआ था, बहुत पहले से चल रहा था ये चीज़। वो चीज़ बहुत ही लेंदी हो जाएगा अभी बताना, इसलिए मैं अभी नहीं बताऊँगा। अगर आपको चाहिए तो उसमें मैं वीडियो ना दूंगा, ठीक है? इससे अभी बहुत ही लेंदी है वो चीज़ है। अगर उस वर्ल्ड को डिलीट करने में मतलब 10 एपिसोड से पहले प्लानिंग चल रहा था, अगर मैं एक रफली बताऊँ तो, क्योंकि उससे पहले दिक्कत होना शुरू हो गया था उस वर्ल्ड में, बहुत दिक्कत हो रही सर। तो ठीक है, कोई नहीं, इस वर्ल्ड अब रात हो गया, दिन करते हैं, एंड करते हैं इस वीडियो को, ठीक है? मिलेंगे ऐसे ही किसी और वीडियो में, ठीक है? बस दिन कर देता हूँ जल्दी से, फिर बस एंड करने का टाइम आ जाएगा। चलो जल्दी से, अब यहाँ पर 1 मिनट रुक जाओ। तो चलिए आज के वीडियो से टाइम, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक गुड बाय। रखो ये लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करेगा, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक गुड बाय। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो। और कार फॉर सेल का वीडियो जल्दी आने वाला है, और लास्ट वीडियो भी आ चुका है कार फॉर सेल का, तो जाके इसको जल्दी देखिए। प्यार वर्षा ये अपना है, क्रिसमस इवेंट पे मैंने बात किया उसमें, तो जाके आप देख सकते हैं वीडियो, मज़ेदार का वीडियो है, ठीक है? चलो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक बाय।